आज मैं आपको भाग्य को चमकाने वाले ऐसे ग्रहों के बारे में बताने जा रही हूँ। इन ग्रहों को अगर आपने समझ लिया, इन ग्रहों की ऊर्जाओं को बढ़ा लिया, अपने जन्मांक के उन ग्रहों को आपने ठीक कर लिया, तो यकीन मानिए कि आप अपने जीवन में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चाहे आपको अपना लग्न पता हो ना पता हो, राशि पता हो ना पता हो, फिर भी अगर आप इनको करने लगते हैं, आप यकीन मानिए भाग्य जागृत हो जाता है, भाग्य का साथ मिलता है, आप निरंतर ऊंचाइयां चढ़ने लगते हैं। तो ऐसे वो कौन से ग्रह हैं जिनको कि आपको अपने जीवन में हमेशा इन्हें आपको संतुलित और इनको हमेशा ऊर्जावान रखना चाहिए, या इनकी निगेटिविटी है उसे कैसे ख़त्म करना है, और किस ग्रहों की पॉजिटिविटी को आपको अपनी लाइफ में बढ़ा लेना चाहिए। अगर आपने ये मंत्र समझ लिया, कहने का तात्पर्य इस चीज़ को आपने समझ लिया, तो आप कभी नहीं ये कहेंगे कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी यशो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन को ऑल पर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हमारे जो जन्मांक होता है, मैं यहाँ काल पुरुष की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो केंद्र के जो भाव होते हैं वो प्लस हमारा केंद्र त्रिकोण यानी लगन, पंचम और नवम। अभी मैं यहाँ पर ग्रहों की बात करूँगी, किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, तो इसे कोई भी आराम से समझ सकता है। मैं ग्रहों की बात कर रही हूँ। ऐसे वो चार हमारे जीवन में चलने वाली चार ऐसी जो सीढ़ियाँ हैं, अगर हमने सही तरीके से उन्हें पहचान लिया तो यकीन मानिए कि जीवन के हर सुख प्राप्त होते हैं। तो पहला है अपने ग्रहों में, जो अपने जीवन में आपको जिन्हें हमेशा आपको एनहेंस करके यानी कि इनको बलि करके चलना है, वो है आपका गुरु और आपका बुध। गुरु जो कि ज्ञान के देवता हैं, गुरु जो का आपका खुद का ज्ञान जो आप अर्जित करते हैं ज्ञान, गुरु आपके बड़े बुजुर्ग, गुरु आपके पूर्वज, और गुरु आपका धर्म स्थान, और गुरु आपका ज्ञान, साथ में गुरु आपके घर में होने वाले रीति रिवाज। अगर आप गुरु आपके पास है यानी ज्ञान आपके पास है, तो आप अपने ज्ञान के बदौलत अपने जीवन में हर वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं जिसके कि आप चाहत रखते हैं, और आपको पता ही नहीं है कि आपको ज्ञान ही नहीं है किसी चीज़ का, तो आप कहाँ आगे बढ़ पाएंगे। तो अपने देव गुरु बृहस्पति को ठीक करिए। गुरु को मजबूत करने के लिए हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों को आप सम्मान दीजिए। अपने घर में नियमित पूजा पाठ जरूर कीजिए। घी का दीपक जरूर अपने ईशान कोण में जलाइए। अपने जो आपके घर की जो रीति रिवाज हैं उन्हें भी बिल्कुल बरकरार रखिए। अपने पूर्वजों की तिथियों को ध्यान रखिए, उन पर भी विशेष करते रहिए, और जैसे पितृ अमावस्या वगैरह आती हैं उन पर भी आपको विशेष दान दक्षिणा करते रहना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों को भी पाँव हाथ लगाते रहना चाहिए। साथ में ही हमेशा अपने मस्तक पर आप केसर का टीका लगाते हैं, तो गुरु आपको ज्ञान भी देता है और आपको ऊँचाइयाँ भी देता है, क्योंकि गुरु का ज्ञान बिना हमारे जीवन में हम अपने जीवन को आगे बढ़ा नहीं पाते, क्योंकि ज्ञान हम दूसरे से नहीं ले सकते हैं, जो हमारी बुद्धि हो, जहां हम अच्छे से समझ सकें हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, तब हम रोना रोना बंद कर देते हैं कि हमें तो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, क्योंकि भाग्य के कारक भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। कुंडली में चतुर्थ भाव के कारक भी बृहस्पति होते हैं, या बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, तो आपको लोगों से फायदा मिलने लगे, लोगों से लाभ मिलने लगे। पंचम भाव जो कुंडली का होता है वो भी ज्ञान का कारक होता है, उसके कारक भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, वहाँ से वो लाभ को देख रहे हैं। जब आपका चतुर्थ भाव मजबूत होगा, पंचम भाव मजबूत होगा, भाग्य भाव मजबूत होगा, तो आपके लिए लाभ के रास्ते खुल जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य हमेशा अपने गुरु को संतुलित रखिए। अगला ग्रह आता है बुध, यानी हमारी बुद्धि। आपने ज्ञान तो लिया, लेकिन उस ज्ञान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, कहने का मतलब है उस ज्ञान का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, आपको इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं पता है, तो आप उसी तरह से हैं जैसे एक पुस्तक कहीं पढ़ी होती है उसका कोई महत्व नहीं है। एक पुस्तक होती है जो कि ज्ञान के जरिए लोगों में प्रसिद्धि पा जाती है, उस पुस्तक को लोगों में प्रसिद्धि मिल जाती है, तो वो बुद्ध आपको त्वरित आपको अपने ज्ञान को आप उसके लिए ज्ञान को सही इस्तेमाल कर सकें, अपने धन के लिए, अपने कार्यों के लिए, अपनी ऊँचाइयों को पाने के लिए। वाणी के द्वारा आपका बुद्ध अच्छा होता है, तो जितना अच्छा हो लोगों से अच्छा बोलिए। अपने बुद्ध को मजबूत करेंगे उतना ही आपका ज्ञान और प्रखर होना लगेगा। जब बुद्ध मजबूत होता है तो आपके धन के रास्ते खुलने लगते हैं। बुद्ध
क्योंकि कुंडली में आपके छठे भाव में यानी कि कन्या राशि में उच्च का हो जाता है। बुध दशम का भी कारक होता है, बुध लाभ का भी कारक होता है। तो अपने लाभ को बढ़ाना है तो अपने बुध को भी आपको मजबूत करना है। तो आप ये मत कहिए कि मेरे पास तो धन आ ही नहीं रहा। आप अपने बुध को मजबूत करेंगे तो आपके अंदर वो सोच बढ़ेगी, वो एक आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी कि आपको आइडियाज़ आने लगेंगे। आइडियाज़ आएंगे तो जिन पर कि आप सही तरीके से काम कर सकें, जिनसे कि आपके लाभ के रास्ते खुल जाए। तो अपने बुध को मजबूत करना है। और दूसरा, बुध तभी मजबूत होगा जब आप किसी लत में ना हो, यानी एडिक्शन जिसको बोलते हैं, जैसे किसी तरह का गुटखा, पान, तम्बाकू, या बहुत लोगों को केवल और केवल चिल्लाने की आदत होती है, बेवजह ही गुस्सा करना, या बेवजह ही आप किसी पे नाराज होते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को होता है, बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है, बड़बड़ बड़बड़ हर समय करते रहते हैं। इन सब आदतों पे अपने कंट्रोल करना है। अपने वाणी को हमेशा अच्छा रखिए। दूसरा, आप मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, अब घंटों घंटों आप मोबाइल देख रहे हैं, उसमें कोई आपको ज़रूरत की कोई अच्छा चीज़ उसमें नहीं मिली जो आपको ज्ञान को बढ़ा सके, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, समय को जाने मत दीजिए, क्योंकि गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। तो अपने ज्ञान को और बढ़ाइए, अपने ज्ञान को ऐसे मार्ग पर लगाइए जिससे कि आपके लिए अर्निंग के रास्ते खुलें। तो अपने बुध को मजबूत कीजिए। इसके लिए हमेशा केसर का टीका तो आपको लगा नहीं है, साथ में ही आपको गणेश जी की आराधना कीजिए। हमेशा गणेश जी के मंत्रों का जाप कीजिए, ओम गंगापते नमः, माता सरस्वती की आराधना कीजिए। अपनी बहन बेटियों के साथ में अपने रिश्ते अच्छे रखिए, आपका बुध मजबूत होने लगता है। साथ में ही बुधवार वाले दिन आप फिटकरी के पानी का कुल्ला जरूर कीजिए, तो धीरे धीरे आपका बुध भी मजबूत हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान आपको जो भटकाते हैं, जो आपको बार बार मार्ग से हटा देते हैं, वो है राहु और केतु। ये दो ग्रह आपको अच्छा खासा आपका चल रहा हुआ दिमाग को एकदम से स्टक यानी ब्लॉक कर देते हैं। आप 99 तक पहुंचते हैं और वापस आप लौटा रहते हैं। राहु आपको अचानक से भ्रम की स्थितियां पैदा कर देता है। आप अच्छे खासे सोच रहे होते हैं, वहीं आपके लिए ये समस्याएं पैदा कर देता है। आपके दिमाग में किंतु परंतु के विचार चलने लगते हैं और अपने सही मार्ग से हट जाते हैं और अपने कार्य से भटक जाते हैं, और फिर आप असफलता की तरफ चले जाते हैं, धन हानि कर बैठते हैं। रिश्तों में आपकी उलझने शुरू हो जाती हैं, पति पत्नी के झगड़े शुरू हो जाते हैं, घर में भी कलह का वातावरण होता है। तो अपने राहु को हमेशा आपको संतुलित रखना चाहिए, क्योंकि ये राहु जब देने पर आता है तो आपको छप्पर फाड़ कर देता है, आपको राजा बना देता है, और लेने पर आता है तो आपका सब कुछ समेट ले जाता है। तो अपने कुंडली के हमेशा राहु और केतु को, अब आपको नहीं पता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कुंडली देखिए, मैं बिना कुंडली के भी आप अपने राहु को ठीक करिए, क्योंकि राहु ठीक रहेगा तो घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी, आपको भी आइडियाज़ अच्छे आएंगे, आप अपने काम कर पाएंगे। इसी तरह से केतु, केतु को जहाँ भ्रम की स्थितियाँ पैदा करता है वहीं आपको लाभ भी देता है। केतु केतु आपको अचानक से बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति करा देता है, आपको खोजी बना देता है, आपके ज्ञान में वृद्धि कर देता है, क्योंकि इसे मोक्ष का कारक भी बताया गया है, बड़े बुजुर्गों के भी कारक बताया गया है, बड़े बुजुर्गों से जो सम्मान मिलता है वो भी उसके लिए केतु होता है। तो राहु को आपको मजबूत करना है तो सबसे पहले अपने घर से फालतू का कचरा कबाड़ निकाल दीजिए। बेवजह के जूते चप्पल, बेवजह के अपने कपड़े हैं, बेवजह के टूटे फूटे बर्तन हैं, भीगी हुई लकड़ी पड़ी हुई है आपके घर में, या टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा हुआ है, बस आपने लोभ में रखा हुआ है, सब हटा दीजिए। ये सब आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, आपके दिमाग को भटका रहे हैं, लाभ के रास्ते को बंद कर देते हो। तो जितना है अपने घर से कचरा कबाड़ निकाल देना चाहिए। वो चप्पलें जो कि आपने 6 महीने से ज़्यादा नहीं पहनी है, मतलब 6 महीने हो गए उन्हें पहने नहीं है, हटा दीजिए, क्योंकि ये बैड एनर्जी बढ़ा देते हैं। साथ में इसी तरह के टूटे फूटे बर्तन, टूटे फूटे इवन यहाँ तक कि आपको अपने घर के जो किचन में आपके जो कुकर और कढ़ाइयाँ चल रहे हों उनके भी हैंडल टूटे हुए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुध और राहु मिलकर और भी ज़्यादा आपको भ्रमित कर देते हैं, लाभ के सारे ही रास्ते आपके बंद कर देते हैं। सो अपने राहु को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो घर की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। अपनी छत को हमेशा साफ रखिए, छत पे किसी भी तरह की कोई गंदगी, कोई क्लटर मत रखिए। साथ में पक्षियों को दाना जरूर दीजिए। पक्षियों को जितना आप दाना देते हैं घर के बाहर, उतना ही आपका राहु ठीक होने लगता है। साथ में ही हमेशा अपने मन को शांत रखिए। 2 पत्ते तुलसी के नियमित आप खाली पेट खाना शुरू करिए, ये राहु भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। केतु की बात करूँ तो केतु के लिए सबसे बेस्ट है कि एक तो केसर का टीका, जो मैं शुरू से कह रही हूँ, केसर का टीका इतना कमाल का होता है जो कि आपके गुरु को भी ठीक कर देता है, आपके बुध को भी ठीक करता है, आपके केतु को भी ठीक करता है। साथ में ही रोड पर जो घूमने वाले आवारा कुत्ते हैं, इनकी सेवा कीजिए, इन्हें नियमित भोजन दीजिए,
इन्हें भोजन देने से आपकी कुंडली का वो केतु ठीक होने लगता है और आपको भी अपने जीवन में वो ऊंचाइयाँ, वो सफलताएं जो आप चाहते हैं, वो सब कुछ आपको मिलने लगती है। अगला जो ग्रह है जो आपको सब कुछ देने वाला है वो है आपका मन, यानी चंद्रमा। चंद्रमा जो कि मन का कारक होता है, धन का भी कारक होता है, आपकी माता का भी कारक होता है। चंद्रमा ही हमारी जितनी समस्याएं उनमें से 50% समस्याओं का कारक चंद्रमा है। जब भी ये चंद्रमा पीड़ित होता है तब ये सबसे पहले आपके मन में नेगेटिविटी पैदा करना शुरू कर देता है। ये नेगेटिविटी आपको सभी रिश्तों से कटने के लिए कटा देती है, सभी लोगों से आइडियाज़ नहीं आने देते हैं, नए नए आइडियाज़ नहीं आते हैं, माँ के साथ में आपका संबंध खराब होने लगता है, वाणी आपकी खराब होने लगती है, मेंटल डिप्रेशन होने लगता है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, याद रखिए दोस्तों, अगर आप हर छोटी बात पर झूठ बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा अपने राहु को आप इसी बात से खराब कर रहे हैं। झूठ बोलने से आपका राहु सबसे ज़्यादा खराब होता है और जब राहु का जो चक्कर चलता है तो समझ लीजिए कि लाभ के रास्ते सारे ही बंद हो जाते हैं। सो सबसे पहले आपको झूठ बोलने पर अपने कंट्रोल करना होगा। बात कर रही हूँ मैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बिल्कुल बच्चों जैसा चंचल होता है, हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करके अपने आप को नई राशि में ले जाता है, तो आपका भी मूड स्विंग होता रहता है। अपने चंद्रमा को बलि कीजिए, हंसिए, खिलखिलाइए, अपने घर के पानी को वेस्ट मत कीजिए, हमेशा पानी की बचत करके रखिए, पानी को वेस्ट नहीं करना है, पानी का अधिक से अधिक सेवन कीजिए। अपने चंद्रमा को, अपने शरीर के अंदर आप चंद्रमा की एनर्जी को बढ़ाना है तो आप कांच के गिलास से पानी पीजिए या चांदी के सिक्का डाला हुआ पानी पीजिए, तो इससे आपका चंद्रमा अच्छा होता है। ये चंद्रमा यूँ भी ख़राब हो जाता है जब आपके घर में पानी की बोरिंग कहीं भी पश्चिम की दिशा से या दक्षिण की दिशा से या साउथ वेस्ट की दिशा से आपके घर में पानी आ रहा होता है, वो भी आपके रास्ते में, आपके धन के रास्ते में अड़चने डाल देता है, आइडियाज़ नहीं आने देता है, धन अवरुद्ध होता है, जगह जगह फंसने लगता है, अटकने लगता है। तो चंद्रमा को मजबूत करना है। अगर इस तरह की कोई स्थिति है जहाँ से पानी की आपकी इस तरह की व्यवस्था हो रही है तो पहले देख लीजिए कि पाइपलाइन आप चेंज करा सकते हैं, कहीं से इसकी अलग से व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा अपने चंद्रमा को बलि कीजिए, खुश रहिए, खूब सारा पानी पीजिए, अपने घर में पानी का वेस्ट मत करिए और साथ में ही शिव आराधना कीजिए। इससे भी आपका चंद्रमा बलि होना शुरू हो जाता है, ना भी आपको अपनी कुंडली पता हो। दोस्तों ये यहाँ पर जो उपाय दे रही हूँ ये बिना कुंडली के ही बता रही हूँ मैं आपको। इस रहस्य को समझ लिया तो जीवन में आप फिर कभी नहीं कहेंगे कि मुझे मेरे भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। और लास्ट जो ग्रह है जो कि आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ डिले यानी देरी पैदा करता है वो है शनि। शनि क्योंकि शनि शनि चलता है, धीरे धीरे चलता है, और शनि आपके जॉब व्यवसाय का भी कारक होता है, आपके घर का भी कारक होता है, घर का सुख, गाड़ी का सुख, आपके जीवन में जो सुख आ रहे हैं, आपकी जो धन आ रहा है वो भी शनि ही दिलाते हैं। तो कभी भी अपने शनि को खराब मत होने दीजिए, हमेशा शनि को संतुलित करके रखिए। शनि आपका जितना अच्छा होगा उतना आपको नौकर चाकरों का सुख रहेगा, उतना आपको भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, उतना ही आपके साथ में आपके और भी जैसे अर्निंग है, आपका जो व्यवसाय है वो भी अच्छा चलेगा। शनि जब भी खराब होंगे तो सबसे पहले ही आपके कार्यों में विलंबित कर देंगे, कार्य को होने ही नहीं देंगे, अटका कर चलना शुरू कर देते हैं, घसीट घटिस के आपका काम होने लगता है। आप एक दिन का काम आपका एक साल में होता है, होता ही नहीं है, कहने का तात्पर्य है अटक अटक कर होता है और फिर आप परेशान होते रहते हो। तो अपने कुंडली के शनि को ठीक करिए। सबसे पहले अपने घर में देखिए कि आपकी जो साउथ वेस्ट की दिशा है वो बिल्कुल साफ सुथरी है या नहीं। वेस्ट की दिशा में ऑरेंज कलर नहीं होना चाहिए, रेड कलर नहीं होना चाहिए, उधर किसी भी तरह से सूर्य की कोई भी वस्तुएं ना पड़ी हो, जैसे तांबा नहीं पड़ा हो या उधर उस दिशा में आपको सूखी लकड़ियां ना पड़ी हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। यहाँ पर आपको अपने शनि की चीज़ें स्थापित कीजिए, शमी का वृक्ष लगा सकते हैं आप, यहाँ पर साफ सुथरा रखिए, यहाँ आप नीम का पेड़ भी लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी भारी लोहे की चीज़ आपको जरूर रखनी चाहिए। अगर आपके पास पैतृक संपत्ति में से मिली कोई लोहे की चीज़ हो इसे यहाँ स्थापित करते हैं तब भी आपके कुंडली में शनि शांत होता है। साथ में अपने घर का एंट्रेंस भी जरूर देखिए क्योंकि घर के एंट्रेंस से ही आपके घर में समृद्धि आती है। अगर वो किसी भी गलत दिशा में बना होता है तब भी आपके कार्य विलंबित होने लगते हैं। अगर आपका घर की दिशा आपके हॉरोस्कोप के अनुकूल नहीं होती है तब भी ये भी आपके जीवन में वास्तु दोष पैदा होने की वजह से ग्रहों की एनर्जी को समाप्त कर देती है। तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि एक 9 इंची का बड़ा स्वास्तिक रेड कलर का बनाकर या बनवाकर एक टाइल लगवाकर अपने गेट के ऊपर लगा सकते हैं, जिससे कि आपके घर में आने वाली कोई भी बैड एनर्जी
उस स्वास्थ्य की एनर्जी से टकराकर वापस चली जाए। दूसरा, हमेशा अपने घर के जो भी आपके कोवर्कर, आपके नीचे जो नीचस्थ कर्मचारी हैं, इनको हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखिए। कभी भी इनको डांटिए नहीं, फटकारिए नहीं, इनका मतलब दुर्व्यवहार मत करिए इनके साथ में। समय समय पर इनको बोनस देते रहिए, इनका इंक्रीमेंट देते रहिए, जिससे कि आपकी कुंडली का वो शनि ठीक होता रहे। इसके साथ ही शनिवार वाले दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक जरूर जला कर आइए, शनि मंत्रों का जाप कीजिए। और सबसे जो रामबाण उपाय है वो है हनुमान चालीसा या सुंदरकांड। आप अगर डेली कर सकते हैं तो डेली संध्या के समय हनुमान चालीसा कीजिए और शनिवार वाले दिन आप सुंदरकांड कर लेते हैं। यकीन मानिए, शनि आपको किसी भी तरह से पीड़ा नहीं पहुंचाते, लाइफ में किसी भी तरह के ऑप्टिकल्स नहीं लाते हैं, डिले नहीं लाते हैं, और शनि आपकी कुंडली के ठीक होने लगते हैं। सो दोस्तों, ये ग्रह ही हैं जो आपको सब कुछ दे सकते हैं। ये छोटे से सिद्धांत आपने समझ लिए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में आपकी हर समस्या का आपको हल मिल गया, समझने की बात है। तो इसको जरा ध्यान से सुनिए, अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो 2 या 3 बार चलाकर सुनिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अब आपको करना क्या है अपनी लाइफ में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ में कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आया तो कुंडली का विश्लेषण कराइए और ठीक से समझ लीजिए कि आपके लिए आपके भाग्य के कारक ग्रह कौन से हैं और क्या आपको करना चाहिए। तो नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा जीवन में तरक्कियां करते रहें। इसके साथ 7:30 पर आने वाला मेरा लाइव, उसे भी देखना बिल्कुल ना भूलें। मैं शुक्रवार को लाइव आती हूँ 7:30 पर और डेली आती हूँ 7:30 पर अमृत की बूंद और जादुई अक्षर। इसे भी आप करना शुरू कर देंगे तो मात्र एक अक्षर भी आपकी लाइफ बदल सकता है। धन्यवाद।